The Lalan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और आप अच्छी तरह जान लीजिए। जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो चीज भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़के हुए हैं क्योंकि पत्रकारों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ लिया था। 12 जनवरी को पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, क्योंकि इसका जवाब 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी के पास नहीं। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से इस पर सवाल पूछा तो उल्टा वो पत्रकारों से पूछने लगे तो कि आप लोग किसके समर्थक हैं, आप लोग 15 साल के जंगल राज को क्यों हाईलाइट नहीं करते हैं, 2005 से पहले क्या हालत है, कितना हिंसा और अपराध होता था, क्या आज वैसी स्थिति है। रुपेश हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्षी हमलावर तो हैं ही, साथ साथ बीजेपी के सांसद और विधायक जो कि सरकार में उनके साथी हैं, वो भी कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, और जब पत्रकार इस पर सवाल पूछ रहे हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं आप इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकते। पुलिस को डीमोरलाइज मत कीजिए। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि एक अदद सवाल पूछ लेने से पुलिस ही डिमोरलाइज हो जा रही है। खैर, 15 साल के जंगल राज पर 15 साल का सुशासन वाला नारा देने वाले नीतीश से हम पूछना चाहते हैं कि पत्रकार सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे, मतलब मैं जॉब छोड़ दूं? और ये क्या बेहुदा तर्क है कि 15 साल पहले के जंगल राज को हाईलाइट करो? सीएम साहब, अभी आप सरकार चला रहे हैं इसलिए सवाल भी आपसे ही होंगे, और आप इतना चिढ़ मत जाया कीजिए। आप जवाब नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा दिन के 24 घंटे? बतौर सीएम आपके काम में जनता के उन सवालों के जवाब देना भी शामिल है जो प्रेस के जरिए उठाए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। नीतीश बाबू, इस बारे में सोचिएगा। पहली सुर्खी बंगाल से है। टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। ये नाम है बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय का। शताब्दी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। शताब्दी ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने लिखा, मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते नहीं है। अक्सर मुझे कार्यक्रमों में सूचित नहीं किया जाता, उसमें बुलाया नहीं जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। इस फेसबुक पोस्ट के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शताब्दी टीएमसी छोड़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कल वे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि 29 दिसंबर को जब बीरभूम में ममता बनर्जी ने रैली की थी तो शताब्दी उनके साथ मंच पर नजर आई थी। शताब्दी रॉय बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। 2009 में ये पहली बार बीरभूम लोकसभा सीट से संसद पहुंची थी। 2014 और 2019 में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा को पार्टी ने एमएलसी यानी कि विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है।
मूल रूप से यूपी के रहने वाले शर्मा गुजरात काडर के आईएएस थे। उन्हें पीएम मोदी का काफी करीबी माना जाता है। गुजरात से लेकर पीएमओ तक जहां जहां नरेंद्र मोदी रहे वहां वहां अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। चाहे वो टाटा नैनो के फैक्ट्री को गुजरात लाना हो बंगाल से रेस्क्यू करके, या फिर भुज के भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास का काम। निवेशकों को लुभाने के लिए हर दो साल पर होने वाले वाइब्रेंट गुजरात का प्रमुख योजनाकार भी अरविंद शर्मा को ही माना जाता है। शर्मा का रिटायरमेंट 2022 में था, लेकिन उन्होंने वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। माना जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद पार्टी उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा दे सकती है। तीसरी सुर्खी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से जुड़ी है। आज फिर से किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाए जाने के बाद ये पहली मीटिंग थी सरकार के साथ किसानों की, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पिछली तमाम बैठकों में हुआ था। किसान संगठन कानून वापस लेने पर अड़े रहे, जबकि सरकार संशोधनों पर। सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत फिर से बेनतीजा रही और अगली तारीख मिली है अब 19 जनवरी की। तारीख पे तारीख हो गया इनके साथ। बैठक से निकलने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और आंदोलन खत्म हो। सुनिए। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा, सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। आज की बैठक पर किसान नेताओं ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, उनका पक्ष भी जान लीजिए। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 क्रूज से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहां तक जाएगी। सरकार केंद्र किया राकेश जी, सरकार केंद्र किया एमएसपी मसले पे आई नहीं रही सरकार। हाँ रपट रही एमएसपी के मसले पे, उसे एमएसपी के मसले पे ही तो जाना। कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। ठीक है जी, अगला प्लान एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात, दो ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। टिप्पणीकारों का कहना है कि बेनतीजा मीटिंग्स सरकार को सूट करती हैं। वो ये भी कह पाते हैं कि किसानों से बात कर रहे हैं और चूंकि कोई नतीजा निकलता नहीं है, उन्हें रियायत देने की बातें करने के बावजूद कोई रियायत देनी नहीं पड़ती है। वक्त बीत जाता है, वक्त और संसाधन किसी भी आंदोलन के लिए इन दोनों पर पकड़ रखना बहुत मुश्किल होता है। फटीक से कृषि आंदोलन को तोड़ने की, उसको कमजोर करने की नीति कितना काम करती है आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। आखिरी सुर्खी में बात सेना दिवस की। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1949 में इसी दिन जनरल केएम करियप्पा ने भारतीय सेना की बागडोर संभाली थी। इससे पहले भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश कमांडर्स के ही हाथ में रहा था। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर CDS बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख MM नरवणे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिलन टॉप परिवार भी सेना के तमाम रैंक्स, उनके वेटरन्स और उनके परिवार वालों को सेना दिवस की हार्दिक बधाइयां देता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।